उपेश बघेल आप हमारा क्या हिसाब मांग। मैं आपको चुनौती देकर जाता हूं, हिम्मत है तो कर लो दोनों हाथ, आपके काम और मोदी जी के काम एक मंच पर खुली चर्चा रख दो। दरअसल अमित शाह और भूपेश बघेल के बीच एक लड़ाई का चर्चा इन दिनों बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वायु छत्तीसगढ़ की एक चुनावी रैली में अमित शाह अपने वोटरों को खुश करते करते कुछ ज्यादा ही जोश में आ गई। उसी जोश जोश में अमित शाह ने भूपेश बघेल को एक ओपन डिबेट की चैलेंज कर दी। फिर होना क्या, भूपेश बघेल भी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए ये तक कह दिया कि ये डिबेट सिर्फ 5 साल के काम को लेकर नहीं होगा। ये बहस भाजपा सरकार की पिछले 15 साल और कांग्रेस सरकार की इस 5 साल के बीच होगा। भूपेश बघेल यही तक नहीं रुका, अमित शाह की चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए ये तक बोल दिया कि अब भागना मत, जगह समय तारीख और मंच बताओ, भूपेश बघेल वहां पहुंच जाएगा। डिबेट सिर्फ छत्तीसगढ़ को लेकर नहीं होगा, मोदी जी की 9 साल के कारनामों का भी होगा। के सभा में मैं चुनौती स्वीकार करके अमित शाह जी को कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी 15 साल के सुशासन और 5 साल में हमारे कांग्रेस की सरकार के जो उपलब्धि है एक बारे में चर्चा करने को मैं तैयार हूँ। चाहे वो जेल मंच तय कर ले, जेल समय तय कर ले, स्थान तय कर ले, वो तय करे और वो चाहे वो मंच में जाए। भूपेश बघेल और अमित शाह के बीच ये टक्कर की खबर वायरल होते ही हर कोई अमित शाह को लेकर मजा लेने लगे। गुरुजी ने तो एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अमित शाह की आप अंडरग्राउंड होने का समय आ गया। और एक यूजर ने तो अमित शाह को ट्रोल करते हुए कहा, अभी ये टकला तरी पर हो जाएगा, बोलेगा मैंने चैलेंज ही नहीं किया था। उसी को लेकर मयंक जी लिखते हैं, ये कुछ नहीं करने वाला है, डिबेट ना हो इसलिए तो पूरा मीडिया ही खरीद लिया, पिछले 10 साल से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे। और एक यूजर लिखते हैं, बघेल जी को डिबेट के पोस्टर बनाकर हर चौराहे पे लगवा देना चाहिए ताकि अमित शाह डिबेट छोड़कर भाग न जाए, तरे पर अब सच कुछ तरे पर होगा। मनीष जी लिखते हैं, अमित शाह खुद बघेल जी का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा, पिछले बार की तरह ये बोल देगा कि ये भी एक चुनावी जुमला ही है। गोदी मीडिया के जमाने में असली खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।